राम मंदिर के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है, जिनकी सुविधा के लिए अयोध्या में तैयार किए गए महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से अलग अलग शहरों के लिए उड़ान शुरू हो रही है। आज अहमदाबाद से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई। पहली फ्लाइट में अहमदाबाद से अयोध्या के लिए निकले यात्रियों में कुछ लोग भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के भेष में पहुंच गए। पब्लिक हैरान, ये फ्लाइट में कौन आ गया? ये देख रहे हैं आप, इमोशन देखिए कि लोग एयरपोर्ट पे भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता मैया के रूप में आ गए। देखिए वहां नारे लग रहे हैं, सुनिए जरा। यानी एयरपोर्ट पे भी जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, आज तक मैंने तो नहीं देखा ऐसा। ये इस वक्त देश में माहौल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच शुरू हुई फ्लाइट का बोर्डिंग पास भी दिया गया। सुनिए अयोध्या के लिए नई फ्लाइट लॉन्च होने पर सीएम योगी ने क्या कहा। और आज मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अयोध्या से अहमदाबाद को जोड़ने के लिए एक नई वायु सेवा इंडिगो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। यह उन अनंत संभावनाओं को जो 2014 के बाद देश के अंदर हम सबको देखने को मिला है, उन सबको आज हमें इन सेवाओं के माध्यम से देखने को भी मिला है। सीएम योगी इसलिए खुश हैं क्योंकि उद्घाटन के बाद से ही अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही। अयोध्या की फ्लाइट के टिकटों की भारी डिमांड है, जिसकी वजह से अयोध्या का हवाई सफर कई गुना महंगा हो गया है। भाई वो एयरलाइन वाले भी देख रहे हैं कि मार मची है टिकट के लिए, तो बढ़ा दिए पैसा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक 20 जनवरी को बेंगलुरु से अयोध्या के लिए सबसे सस्ती फ्लाइट कितने की पता है? 24,000 रुपया का। एक टिकट 24,000 का है बेंगलुरु से अयोध्या जाने के लिए। रामलला के दर्शन की लालसा ऐसी है कि वीकेंड पर अधिकतर फ्लाइट टिकट सोल्ड आउट है, टिकट है नहीं है बॉस। फिलहाल बेंगलुरु और अयोध्या के बीच डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, लेकिन 17 जनवरी से डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च होने वाली है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू होते वक्त अयोध्या के लिए फ्लाइट टिकट का दाम करीब 6,000 रुपए के आसपास था। यानी एक महीने के अंदर यह किराया करीब 400 गुना तक बढ़ गया है और लोग देने को तैयार हैं, कह रहे हैं कि भैया हमको जाना है।